हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री आचार्य यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड देयर रिमूवल्स के बारे में। ठीक है, मीनिंग बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि एक केमिकल इक्वेशंस के कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं और उन लिमिटेशंस को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है और एक केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और समझते हैं पहले कि क्या होता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशंस के बारे में आप पहले से जानते हैं कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन का जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, हम उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे रिएक्टेंट्स एंड वहाँ फॉर्म हो रहे प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए जो हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हम आपका जो केमिकल इक्वेशन है बेसिकली वो पहले से ही इन्फॉर्मेटिव रहा है क्योंकि आपका एक केमिकल इक्वेशन जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी तो देता ही है, साथ ही साथ आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो ये भी बताता है कि आपके रिएक्शंस में, आपके दिए गए रिएक्शन में कितने मोल रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो कितने मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बावजूद इसके हमारा जो केमिकल इक्वेशन है कुछ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है मिस कर देता है, हमें नहीं बता पाता। ठीक है, जो बेसिकली उसके लिमिटेशंस के तौर पे काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं, सच इसेंशियल इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट ऑब्टेन बाय ए केमिकल इक्वेशन इज नोन एज देयर लिमिटेशंस। ठीक है, आपका एक केमिकल इक्वेशन आप कुछ इसेंशियल इन्फॉर्मेशंस हमें नहीं दे पाता, नहीं बता पाता। ठीक है, वो उसके लिमिटेशंस के तौर पे काउंट किए जाते हैं, लिमिटेशंस उसके कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि कौन आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हमें नहीं बताता या ऐसा कहा जाए कि उसके कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं। तो पहला जो उसका लिमिटेशन यहाँ लिखा गया है वो है वी डू नॉट गेट द इन्फॉर्मेशंस अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट्स। मीनिंग कि आपके केमिकल रिएक्शन में, आपका जो एक केमिकल रिएक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे रिएक्टेंट्स और फॉर्म हो रहे प्रोडक्ट्स का जो फिजिकल स्टेट है, ठीक है, वो हमारा इक्वेशन हमें नहीं बताता। ठीक है, मीनिंग आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है वो सॉलिड फेज में है, लिक्विड फेज में है, गैसेस फेज में है या सॉल्यूशन फेज में है, ये इन्फॉर्मेशन हमको एक केमिकल इक्वेशन से देखने को नहीं मिलता है जो बेसिकली उसके लिमिटेशंस के तौर पे काउंट किए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड लिमिटेशंस का बात करें तो यहाँ आपको लिखा हुआ है नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड। मीनिंग आपका जो केमिकल इक्वेशन है उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपको जानकारी नहीं देता है। ठीक है, सवाल तो बात आता है, हम लोग इसको समझ बात आता है कि भाई ये कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉल्यूशन फेज में रहेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मीनिंग आपका जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो कि सॉल्यूशन फेज में है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसके बारे में हमारा इक्वेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, हम अगर बात करते हैं यहाँ से थर्ड लिमिटेशंस का तो वो कुछ इस तरीके से, वी डू नॉट गेट इन्फॉर्मेशन वेदर द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। मीनिंग इसका मतलब ये है कि आपका जो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, बहुत सारे वैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं नेचर में, ठीक है, जिनके कारण कुछ एनर्जी इवॉल्व होता है और बहुत सारे वैसे रिएक्शंस होते हैं जिनको होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं तभी वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाते हैं। ठीक है,
तो हमको एक केमिकल इक्वेशन को देख के ये नहीं पता चलता कि वो जो रिएक्शन है एनर्जी इवॉल्व करने वाला है, या उस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा या एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फोर्थ लिमिटेशंस का। यहाँ से हम बात करेंगे फोर्थ लिमिटेशंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ फोर्थ लिमिटेशन कुछ इस तरीके से है, वी डू नॉट गेट इन्फॉर्मेशन वेदर द रिएक्शन इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, मीनिंग हम लोग इस नेचर में वैसे बहुत सारे रिएक्शंस को जानते हैं जो आपके रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, मीनिंग वहाँ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट्स रिएक्शंस में चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो वैसे रिएक्शंस जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है उनकी जानकारियाँ हम लोगों को केमिकल इक्वेशन नहीं दे पाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन का बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है, वी डू नॉट गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस अंडर विच द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। मीनिंग कुछ वैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको होने के लिए कुछ खास कंडीशंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, कुछ खास कंडीशंस की ज़रूरत होती है, उन कंडीशंस में ही वो रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। कंडीशंस जैसे कि ठीक है, आपका कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ठीक है, और इस टाइप के कंडीशंस, ठीक है, जिनके बिना वो रिएक्शंस प्रोसीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमको उन कंडीशंस के बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गए आपके एक केमिकल इक्वेशंस के लिमिटेशंस। ठीक है, आप यहाँ पे कैटलिस्ट ये जो देख रहे हैं ये कुछ आपके लिए नया टर्म हो सकता है, लेकिन बेसिकली कैटलिस्ट का मीनिंग होता है वैसे एजेंट जो केमिकल रिएक्शंस के स्पीड को चेंज कर देते हैं, रेट को बढ़ा या घटा देते हैं। ठीक है, हम उन्हें कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में बेसिकली हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल आपका ये 5 केमिकल इक्वेशंस के लिमिटेशंस हो गए। यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशंस के जो लिमिटेशंस होते हैं आप उनको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, या इसी चीज़ को मैं से भी बोल सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। बेसिकली दोनों का सेम ही मतलब है, क्योंकि जब आप केमिकल इक्वेशंस के जो भी लिमिटेशंस थे अगर आप उनको रिमूव कर देंगे तो आपका इक्वेशंस ऑटोमेटिक क्या होगा, मोर इन्फॉर्मेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो पहला जो लिमिटेशंस था केमिकल इक्वेशन का वो ये था कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट पता नहीं चलता है। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन में जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शामिल होते हैं उनके फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय राइटिंग देम इन ब्रैकेट, मीनिंग कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस भी फिजिकल स्टेट में होंगे उन फिजिकल स्टेट के लिए, जैसे अगर वो सॉलिड में होंगे तो उनके लिए आपको एस, ठीक है, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, और अगर वो सॉल्यूशंस के फॉर्म में होंगे, एक्वस सॉल्यूशंस के फेज में होंगे तो उनके लिए AQ, ठीक है, AQ, ये आप उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जस्ट बगल में स्मॉल ब्रैकेट में लिखकर, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट्स को। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन जो कि गैसेस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन जो खुद भी एक गैस है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर फॉर्म करते हैं जो कि बेसिकली लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, तो बिफोर दिस इंडिकेशन अगर हम इस इक्वेशन को लिखते तो हमारे लिए वो लेस इन्फॉर्मेटिव रहता। ठीक है, और उसके साथ लिमिटेशंस रहते कि हमको फिजिकल स्टेट नहीं बता पा रहा है। लेकिन अब हमने क्या करा, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स यहाँ पे शामिल हैं, ठीक है, उनके जो भी फिजिकल स्टेट्स हमको देखने को मिले हैं, हमने क्या करा, उन सभी फिजिकल स्टेट को उनके बगल में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दिया। ठीक है, शॉर्ट एब्रिविएशन के फॉर्म में। ठीक है, तो सॉलिड के लिए हमको पता है S, लिक्विड के लिए L, गैसेस के लिए G एंड एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए हमको पता है कि अभी दोनों गैसेस स्टेट में, दोनों के लिए G, आपका जो वाटर बना वो लिक्विड स्टेट में है, तो हम लोगों ने उसके लिए L का यहाँ इस्तेमाल करा है।
ठीक है। तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना पाए, इससे लिमिटेशंस को रिमूव कर पाए, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को देख लीजिए, यहाँ सोडियम जो कि एक मेटल है बेसिकली वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो आपने सोडियम के बगल में एस मेंशन करा, वाटर जो कि बेसिकली लिक्विड स्टेट में होता है तो हमने उसके लिए एल मेंशन करा, ठीक है। इन दोनों के मिलने से आपका जो प्रोडक्ट बना सोडियम हाइड्रोक्साइड वो वहाँ वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया और डिजॉल्व होकर एक सोल्यूशन फॉर्म करा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर उसके लिए एक्यू शो करा है, और साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन गैस बना है जिसके लिए हम लोगों ने जी का रिप्रेजेंटेशन वहाँ करा हुआ है, ठीक है। आप आगे देखेंगे तो जो नीचे यहाँ लिखा हुआ है वो बेसिकली अल्टरनेटिव इंडिकेशन है गैस और सॉलिड के लिए, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं क्या है और कब इसको ऐसे इंडिकेशन का कब इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक गैस, इफ अ गैस इज इवॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अपवर्ड एरो। मीनिंग ये बोलना चाहता है कि अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है, गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म हो, ठीक है, तो अगर गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो बेसिकली वो वहाँ से उस कंटेनर को छोड़ के वहाँ से बाहर चला जाएगा, एटमोसफेयर में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग गैसियस प्रोडक्ट के लिए अपवर्ड एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट के लिए, रिएक्टेंट्स के लिए नहीं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में बनेगा उन्हीं के लिए हम अपवर्ड एरो का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब गैसियस रिएक्टेंट होता है तो उसको हम क्लोज कंटेनर में रखते हैं, ताकि वो बंद करके रखते हैं ताकि उसके भी वो आपका जो गैसियस रिएक्टेंट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो बेसिकली आपके कंटेनर से बाहर चला जाता है, इसलिए हम अपवर्ड एरो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए तो यहाँ बोला जा रहा है कि इफ प्रिसिपिटेट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन इट कैन बी इंडिकेटेड बाय डाउनवर्ड एरो, ठीक है। यानी यहाँ ये बोला गया कि अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन में प्रिसिपिटेट का फॉर्म हो, ठीक है, सवाल ये है कि व्हाट इज प्रिसिपिटेट। तो अगर हम प्रिसिपिटेट को बोलते हैं तो सिंपली इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि प्रिसिपिटेट इज इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, ठीक है, ये है इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपके अगर रिएक्शंस के अंदर, आपके रिएक्शन के अंदर कोई इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट बने, जो बेसिकली क्या होता है कि आपके बीकर में सेटॉल्ड हो जाता है नीचे, ठीक है, सेटॉल्ड हो जाता है, ठीक है, नीचे बह जाता है ना। अगर मान लो कि कोई सॉलिड प्रोडक्ट बना जो कि इनसॉल्युबल है, वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं, जैसे कि NaOH बना था और वो क्या हो गया, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया, तो उसने सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया। लेकिन अगर कोई वैसा आपको सॉलिड प्रोडक्ट बनता है जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, तो वो स्लोली आपके बीकर में सेटॉल्ड हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग वैसे सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो चूंकि वो नीचे बैठ जा रहा है इसलिए हम लोग यहाँ बने हुए प्रोडक्ट को, मतलब सॉलिड प्रोडक्ट जो इनसॉल्युबल होंगे, हम उनके लिए डाउनवर्ड एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ CaOH होल ट्वाइस है ना, ये एक्वस फॉर्म में है, मतलब कि इस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, इसमें CO2 गैस को पास करा दिया गया, ठीक है। करने पे हुआ क्या कि एक प्रोडक्ट बना CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो बेसिकली किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, और ये बोला जाता है कि भाई ये जो है वाटर में इनसॉल्युबल भी होते हैं। इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा बल्कि ये आपके बीकर में ऐसा सेटल्ड हो जाएगा, नीचे जाकर बैठ जाएगा। इसलिए आप इसको एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, और डाउनवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी करते हैं तो गलत नहीं है, आप डाउनवर्ड एरो का भी इस्तेमाल करते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे वाटर बना है जो कि लिक्विड फेज में है, तो वो भी हम लोगों ने वहाँ पे इंडिकेट करा है। तो ये हो गया कि फिजिकल स्टेट हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं कि सेकेंड जो लिमिटेशन है उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, ठीक है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड लिमिटेशंस और उनके रिमूवल का बात करें तो जैसा आपने देखा था कि हमको केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स सॉल्यूशन फेज में होते हैं, ठीक है, उनके डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का भी कंडीशंस हमको मेंशन करना होता है, ठीक है। तो उसको मेंशन करने के लिए आपको यहाँ बोला गया टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड बिलो द फॉर्मूला, मीनिंग
अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का ठीक है कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करना है डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड लिखकर, ठीक है, तो आप उस फॉर्मूला के उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फॉर्मूला के नीचे आप उसको लिखकर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी तरीका हुआ इस लिमिटेशंस को दूर करने का। थर्ड हम लिमिटेशन की बात करें तो आपने देखा था कि थर्ड लिमिटेशंस के अंदर आपका एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर एनर्जी इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा इसकी जानकारी हमको नहीं मिलती थी, ठीक है। तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो बेसिकली आपको ये बात पता होगा कि जिन भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जिस केमिकल रिएक्शंस के अंदर ठीक है एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक है, एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है, हम उनको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हम क्या बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली एक्जोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन का बेसिकली मतलब है, ठीक है, दोज केमिकल रिएक्शंस ठीक है इन विच हीट इज इवॉल्व, वैसे केमिकल रिएक्शन जहाँ हीट इवॉल्व होता है हम उसको क्या बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शंस का, तो वैसे रिएक्शंस जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है, या ऐसा कहा जाए कि वैसे केमिकल रिएक्शंस जिनको होने के लिए जिस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हीट की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, हम उन रिएक्शंस को बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अब अभी आप समझ सकते हो कि जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हीट क्या होता है ना, बाहर निकलता है प्रोडक्ट के साथ, हीट बाहर निकलता है, ठीक है। रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट के साथ हीट बाहर निकलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई एक्जोथर्मिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस हीट को प्रोडक्ट साइड में दिखाते हैं कि भाई हीट एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, हीट को हीट एज अ प्रोडक्ट हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। वहीं अगर बात करें इंडोथर्मिक रिएक्शंस का, तो आपको पता है कि इंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्शंस होने के लिए हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, हीट वहां पे प्रोवाइड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहां पे जो हीट के बिना रिएक्शंस नहीं होने वाला है, ठीक है, यानी कि वहां पे हीट एज अ रिएक्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हीट को प्लस हीट को ऐसा रिएक्टेंट साइड में लिख कर इंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहां से इन लिमिटेशंस और इनके रिमूवल को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे, ठीक है। तो और आगे जो लिमिटेशंस हैं हम लोग उनके रिमूवल्स का बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ जो लिमिटेशंस था, जहां आपको बताया गया था कि केमिकल इक्वेशन से हमको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसके लिए भी अब यहाँ पे उस लिमिटेशंस को भी रिमूव करने का हमारे पास में तरीका है, ठीक है। कैसा, अगर आपको कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय डबल एरो, है ना, बाय दिस सिंबल और डबल एरो, ठीक है। एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, है ना। अगर आपको ये साइन दिखे, मीनिंग की रिएक्शन दोनों ही साइड प्रोसीड हो रहा है, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स, है ना, तो ये आपको दोनों साइड रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, उधर से रिएक्टेंट इधर जा रहे हैं, इधर से कुछ प्रोडक्ट उसी टाइम टूट के रिएक्टेंट भी बन रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स भी फॉर्म कर रहे हैं, तो हम यहां बोल सकते हैं कि ऐसा साइन जहां दिखे हम बोल सकते हैं रिएक्शन रिवर्सिबल है। जहां सिंगल एरो दिखाई दे, ऐसा हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देखा हुआ है, जहां सिंगल एरो दिखाई दे मतलब रिएक्शन एक साइड प्रोसीड कर रहा है, रिएक्शन वापस नहीं आ रहा है, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो वैसे रिएक्शन कैसे होंगे, ई रिवर्सिबल होंगे और उनको ऐसा सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप सिंपली इन दो रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको कोई रिवर्सिबल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने को बोला जाए तो बस आपको दो एरो वहां पे दो एरो के साथ उसको रिप्रेजेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट लिमिटेशंस का। तो आपको पता है कि हमको एक केमिकल इक्वेशंस उन कंडीशंस के बारे में नहीं बताता है जिन कंडीशंस के अंडर वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है, और बिना उस कंडीशंस के वो केमिकल रिएक्शंस का हो पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम उन कंडीशंस को, चूंकि केमिकल रिएक्शन नहीं बताता था, तो उन कंडीशंस को क्या करा गया कि आपका जो ये एरो है उसी एरो पे अबव और बिलो लिखकर उन कंडीशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ से बोला गया है कि कंडीशन अंडर विच ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस
इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग देम अबव एंड बिलो एरो। ठीक है, तो जिन कंडीशन के अंडर एक केमिकल रिएक्शन होता है उन कंडीशन को आप इस एरो के ऊपर या नीचे, ऊपर और नीचे लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देखते हैं तो ये जो इक्वेशन है N2H2 के साथ जो अमोनिया बनने का रिएक्शन है, ये ऐसा देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। क्यों इन्फॉर्मेटिव है? क्योंकि यहाँ पे हमको रिएक्टेंट्स का जो स्टेट है वो दिख रहा है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है हमको वो दिख रहा है, ये रिएक्शन किस किन कंडीशंस के अंडर हो रहा है हमको कंडीशंस दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हमने लिखा है, हमने इन्फॉर्मेटिव इस इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया है, लेकिन अभी जब कंडीशन इसमें जुड़ जाए तो ये इक्वेशन कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव हो गया है, ये हमको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आपका जो केमिकल इक्वेशन है उसके कौन कौन से लिमिटेशंस हैं और आप उनको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।